हाय स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश सेकंड के पहला चैप्टर के बारे में सीखेंगे, दैट इज द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense। Sentence a group of words है, उसमें क्या होना चाहिए? एक पूरा complete meaning होना चाहिए। Group of words को अपन sentence से लेके बोलेंगे। वो group of words में क्या होना चाहिए? एक complete meaning भी होना चाहिए। अब देखो, teacher is Ram our, teacher is Ram our, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन is it a sentence? ये sentence है क्या? No, क्योंकि इसके अंदर एक कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहे। ये कैसे होना चाहिए? Ram is our teacher, Ram हमारा टीचर है, वो कंप्लीट सेंस है। So sentence is a group of words which makes a complete sense. So what is a sentence? Sentence is a group of words which makes a complete sense. अब सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए देख लीजिए। ये सेंटेंस शुड स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। जो भी सेंटेंस हो कैपिटल लेटर से शुरू करना चाहिए। और आपको पता है कैपिटल लेटर कैसे लिखना, स्मॉल लेटर कैसे लिखना, सभी आप सीख चुके हैं। तो ये सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू करना, देन कैसे एंड करना, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। साधारण सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप डालना, सवाल है तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क डालना, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो वो आश्चर्य का वाला सेंटेंस है तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क डालना। सो ये सेंटेंस कैसे शुरू करना? विद ए कैपिटल लेटर। कैसे एंड करना? ये इधर फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। अब देखो आपका बुक में पहला क्वेश्चन, आगरा द ताज महल इज, आगरा द ताज महल इज इन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रही क्या? नो, इज देर ये कंप्लीट मीनिंग? नो। अब ताजमहल, द ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल आगरा में है, वो एक कंप्लीट सेंस दे रहे। सो दैट इज व्हाट We call a sentence. Sentence के कैसे होना चाहिए? A sentence is a group of words which makes a complete sense. Jungle lion is the king. Jungle lion is the king. The wolf. A group of words है। जंगल लाइन इज द किंग द ऑफ, इसके अंदर एक मतलब निकल रहे क्या? डस इट मेक ए कंप्लीट सेंस? नो। तो कैसे होना चाहिए? द लायन इज द किंग ऑफ जंगल, द लायन इज द किंग ऑफ जंगल। तो ये सेंटेंस, व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। देन ये देखो एक्सरसाइज नंबर वन, सर्कस जंप्स इन द जोकर। देख लीजिए, सर्कस जंप्स इन द जोकर, ये कुछ मतलब है कि इसके अंदर? नो, इट डस नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस। तो ये सेंटेंस है क्या? नो। लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, She is a nurse, वो एक नर्स है।
इधर इन कंप्लीट मीनिंग, उसके अंदर एक कंप्लीट मीनिंग है क्या? यस, सो दैट इज अ सेंटेंस। अब सेंटेंस के अंदर एक मीनिंग होगा एंड अगर मीनिंग नहीं निकल रहे तो वो सेंटेंस नहीं है। ट्रीज मैंगोस आर इन द ट्रीज मैंगोस आर इन द, इसके अंदर कोई मीनिंग है क्या? नो, इट डज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस। सो हमें क्या करना चाहिए? Identify whether it is a sentence or not. Trees, mangoes are in the. ये sentence है क्या? No. तो बाकी exercise का answer हम आपको भेज देंगे. And look at exercise number B. अब उसमें कुछ words उल्टा पुल्टा लिख के रखा है, वो आपको सही रीति से जमा के लिखना है. देखो colors. Look at the first question. Colors, rainbow, 7, rainbow, ये खास। इसमें कुछ words लिखा हुआ है, हमें क्या करना चाहिए? ये वर्ड्स को सही जगह पे जमा के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। अब इसको कैसे बनेगा? कलर 7 रेनबो ये खास, इसके अंदर कोई मीनिंग है क्या? अब कैसे बनेगा? ये रेनबो खास 7 कलर्स, ये रेनबो खास 7 कलर्स। सेकेंड क्वेश्चन, हम ये हैस कैमल, इसके अंदर कोई मीनिंग है क्या? नो मीनिंग एट ऑल। सो हमें एक अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ये कैमल हैस हम्प, कैमल को क्या होते हैं? उसके ऊपर हम्प होते हैं। सो दैट इज अ सेंटेंस। स्कूल एम आई गोइंग टू, नो मीनिंग एट ऑल, हमें इसको मीनिंगफुल बनाना है। आई एम गोइंग टू स्कूल। सो बाकी एक्सरसाइज का आंसर हम आपको भेज देंगे एंड वी विल मीट विथ द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू वेरी मच।